किसान भाइयों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड के कॉम्बिनेशन के बारे में आपको बताएंगे जिनका स्प्रे यदि आप एक साथ अपनी फसलों के अंदर करते हैं तो देखिए इनकी कंपेटिबिलिटी है और ये आपकी फसलों के अंदर थ्रिप्स को बहुत अच्छे से कंट्रोल करेगा, माइट्स पे बहुत इफेक्टिवली ये काम करता है और जो लीफ माइनर की समस्या है लीफ माइनर को भी बेहद ही अच्छे ढंग से कंट्रोल करता है, यानी कि इन तीनों को कीटों को एक साथ कंट्रोल करेगा। उसके साथ साथ हम इसमें फंजीसाइड ऐड करते हैं तो ये हमारी फसलों के अंदर फ्रूट रॉट यानी कि फल सड़न की समस्या है तो उस पर अच्छा काम करता है, फ्रूट रॉट पर अच्छा काम करेगा। और उसके साथ साथ एंथ्रेक्नोज जो डिजीज आता है उस पर अच्छा काम करता है, अर्ली ब्लाइट पे काम करेगा, लेट ब्लाइट पे काम करेगा और ये हमारी फसलों के अंदर जो डाउनी मिल्ड्यू की समस्या आती है उस पर भी काम करेगा। प्रिवेंटिव में ज़्यादा अच्छा काम करता है, हालांकि क्यूरेटिव में भी काम करेगा तो बहुत ही अच्छा इसके रिजल्ट होते हैं। तो देखिए हमें बहुत सारे ऐसे कॉम्बिनेशन के बारे में जानकारी चाहिए होती है क्योंकि किसान अलग अलग इंसेक्टिसाइड का और अलग फंजीसाइड का स्प्रे नहीं करना चाहते क्योंकि उसमें एक्सपेंस ज़्यादा आता है और बार बार उन्हें स्प्रे करना होता है, तो इसलिए वो चाहते हैं कि कोई ऐसा इंसेक्टिसाइड फंजीसाइड जिसकी कंपेटिबिलिटी हो उनके बारे में उन्हें पता होना चाहिए। तो ये जो इंसेक्टिसाइड फंजीसाइड हम आपको बताएंगे इसके आपस में कंपेटिबिलिटी है और अच्छे से काम करता है, हमने यूज किया है, ट्रायल इसका लिया है, काफ़ी अच्छे रिजल्ट इसके देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा, वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर कीजिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम इस कॉम्बिनेशन को तैयार करने के लिए एक लेंगे फंजीसाइड और फंजीसाइड में हमने लिया है मैनकोजेब 75% WP फॉर्मुलेशन में, जो M45 के नाम से आपको टाटा कंपनी का मिल जाता है, धनुका कंपनी का मिल जाता है और इंडोफिल कंपनी का भी मिल जाता है M45 के नाम से, अदर कंपनियों का भी आपको मिल जाएगा कुछ अदर नाम से। तो उसके अंदर टेक्निकल जो होना चाहिए वो मैनकोजेब 75% होना चाहिए तो आप वो ले लेंगे। देखिए मैनकोजेब काफ़ी अच्छे रिजल्ट दिखाता है, एक तो इसके अंदर मल्टी साइड एक्शन होता है यानी कि कई तरीके से जो फंगस है उसको ख़त्म करने का काम करता है जिससे फंगस इसके प्रति आसानी से जो है रेजिस्टेंस डेवलप नहीं कर पाती है तो इसके रिजल्ट हमें अच्छे देखने को मिलते हैं। उसके साथ साथ देखिए जब हम इसका मैनकोजेब का स्प्रे करते हैं तो ये हमारी फसलों के अंदर जिंक की पूर्ति करता है, यानी कि इसके अंदर जिंक भी होता है और मैग्नीज होता है, तो ये जिंक और मैग्नीज जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, जिंक बहुत ही जरूरी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है फसलों की अच्छी ग्रोथ के लिए, फसलों को हरा भरा रखने के लिए, जिंक की कमी हो जाए तो आप अच्छा प्रोडक्शन नहीं ले सकते हैं। तो इस फंजीसाइड को डालने से आपकी फसलों पर जिंक की पूर्ति होगी, मैग्नीज की पूर्ति होगी तो जिससे फसलों पर ग्रीनिश इफेक्ट भी आपको देखने को मिलेगा। तो जो मैनकोजेब है 75% वो बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिखाता है, मैनकोजेब बहुत ही पुराना फंजीसाइड है लेकिन आज भी इसके रिजल्ट बहुत बेहतरीन आते हैं। देखिए ये जो मैनकोजेब फंजीसाइड है ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, यानी कि सस्ते में आपको मिल जाता है, इसकी 1 किलोग्राम पैकिंग की जो कीमत है मात्र आपको 500 रुपये में मिल जाएगी और 1 किलोग्राम को आप 2 एकड़ में की फसल में स्प्रे कर सकते हैं। 1 एकड़ के अंदर इसकी 500 ग्राम मात्रा लगती है, 500 ग्राम को 200 लीटर पानी में घोलकर 1 एकड़ की फसल में स्प्रे करना होता है। और देखिए हमारी फसलों पर फ्रूट रॉट में अच्छा काम करता है, एंथ्रेक्नोज अच्छा काम करेगा, डाउनी मिल्ड्यू, अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट और जो हमें सीगा टोका डिजीज देखने को मिलता है उसमें अच्छा काम करता है, जो केले के अंदर देखने को मिलता है, बकाई रॉट टमाटर के अंदर देखने को मिलता है उस पर अच्छा काम करता है। तो ये मल्टीपल्स ऑफ डिजीज को बहुत ही इफेक्टिवली कंट्रोल करता है और इसके स्प्रे के बाद फसल हमारी हरी भरी देखने को मिलती है। तो आप ये लेंगे, डोज मैंने आपको बता दी 500 ग्राम पर एकड़, यदि हम पर लीटर की बात करें 2.5 ग्राम पर लीटर पानी में मिलाकर आपको ये स्प्रे करना होता है। तो पहले पानी के अंदर आप मैनकोजेब घोल लेंगे, 16 लीटर का टैंक है तो उसमें 40 ग्राम जो मैनकोजेब है वो डालकर आप घोल लेंगे। उसके बाद एक अलग पानी लेंगे और थोड़ा सा पानी में फिर हमें जो दूसरा इसमें इंसेक्टिसाइड ऐड करना होता है वो आता है हमारा अबासिन के नाम से क्रिस्टल कंपनी का। देखिए इसके अंदर एबामेक्टिन होता है 1.8% EC फॉर्मुलेशन में, तो ये जो है हमारी फसलों के अंदर देखिए माइट्स को अच्छे से कंट्रोल करता है और थ्रिप्स पे भी काम करता है। ये थ्रिपी साइड है तो ये माइट्स पे भी थ्रिप्स पे भी अच्छा काम करता है और लीफ माइनर के लिए तो इससे बेस्ट कोई केमिकल नहीं है, लीफ माइनर पे भी बहुत अच्छा काम करता है। तो तीनों जो इंसेक्ट है उनको ये टारगेट करेगा, अच्छे से कंट्रोल करेगा। तो हमें अलग पानी के अंदर इसको घोलना है, इसकी डोज जो हमें रखनी है 1 ml पर लीटर रखनी होती है, तो 15 ml का 15 लीटर का यदि टैंक है या 16 लीटर का टैंक है तो उसमें 15 से 16 ml आप डाल लेंगे, लेकिन इसको पहले अलग पानी में घोलेंगे थोड़ा सा, उसके बाद टैंक में डालेंगे, उसके बाद ही आप टैंक को फिर फिल करके स्प्रे कर सकते हैं। तो
तो ये दोनों ही बहुत अच्छा काम करते हैं। और देखिए यदि हम अब्बासिन जो आता है उसकी हम कीमत की बात करें तो वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव आपको पड़ेगा, क्योंकि बहुत अच्छा टेक्निकल है। तो उसकी यदि हम 100 ml पैकिंग की बात करें तो लगभग आपको 700 रुपये की रेंज में पड़ जाएगी। तो आप इन दोनों को मिक्स करके स्प्रे करेंगे तो बहुत ही अच्छे से आपका थ्रिप्स, माइट्स और लीफ माइनर अच्छे से कंट्रोल हो जाएगा। किसी भी फसल के अंदर आप इसका स्प्रे ले सकते हैं। और जो मैनकोजेब है वो आपकी फसलों पर प्रिवेंटिव में जो रोग हैं जो मैंने बताए उनको नहीं आने देगा, और फसल आके आपकी ग्रोथ अच्छी होगी, फसल में आपको ग्रीनिश इफेक्ट देखने को मिलेगा। देखिए जो हम जो अब्बासिन होता है उसके स्प्रे के बाद भी ग्रीनिश इफेक्ट देखने को मिलता है, और यदि हम इसकी बात करें मैनकोजेब तो इसके स्प्रे के बाद भी फसलों पर ग्रीनिश इफेक्ट देखने को मिलता है। तो जब दोनों का कंबाइन स्प्रे करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट होता है और फसल मोर ग्रीनिश, हरी भरी हमें देखने को मिलती है, क्योंकि फसलों के अंदर जो फंगस है वो ख़त्म हो जाती है। कीट जो रसचूसक कीट है, चाहे माइट्स हो चाहे थ्रिप्स हो, दोनों को कंट्रोल कर लेता है। लीफ माइनर बहुत खतरनाक होता है, जो टूटा एब्सोल्यूटा उसको भी अच्छे से कंट्रोल करता है, और कोई भी लीफ माइनर हो उसको बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है। तो इससे जब जो हमारी फसलों के अंदर सारे कीट कंट्रोल हो जाते हैं, फंगस कंट्रोल हो जाती है, तो हम आप देखेंगे, और उसमें जिंक और मैग्नीज की जो कॉम्बिनेशन है, जिंक और मैग्नीज की पूर्ति करता है, जिससे हमारी फसल बहुत ही रिलैक्स फील करती है और वो अच्छे से ग्रो करती है, और वो ग्रीनिश इफेक्ट उस पर देखने को मिलता है, प्रोडक्शन उसका हमें बेहतर देखने को मिलता है। तो बहुत अच्छा इसका कॉम्बिनेशन है, आप इसको यूज कर सकते हैं। और यदि रिपीट स्प्रे की बात करें तो यदि आपका इंसेक्ट का, डिजीज का इन्फेक्शन ज़्यादा है तो आप इस कॉम्बिनेशन को लगभग 7 दिन के बाद रिपीट कर सकते हैं, और जो इन्फेक्शन है इंसेक्ट का और डिजीज का उतना ज़्यादा नहीं है तो आपको जो इसका रिपीट स्प्रे लेना है वो 10 से 12 दिन बाद आप ले सकते हैं। तो इससे सभी कीट, सभी रोग आपके बहुत अच्छे से कंट्रोल हो जाएंगे। यदि हम बात करें इसका, क्या फ्लावरिंग स्टेज में भी हम अपनी फसलों के अंदर स्प्रे ले सकते हैं, तो आप बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन इवनिंग टाइम में स्प्रे करें, दोपहर के टाइम में बिल्कुल भी स्प्रे ना करें। इवनिंग का समय, शाम का समय स्प्रे के लिए बेहतर रहता है, बेस्ट टाइम है, तो आप उस समय स्प्रे कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। तो उम्मीद है किसान भाइयों जो आज की जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।